लीजिए साहब, आपकी गाड़ी ठीक हो चुकी है, आप चाहो तो चला के देख सकते हो, और कोई कमी हो तो मुझे बता देना साहब। ठीक है, हम चेक करके आते हैं, तुम यहाँ पे वेट करो। जी साहब। जल्दी गाड़ी चला, अब क्या ऐसे पैसे देने वापस थोड़ी ना आएंगे यहाँ पे। अबे यार सही कह रही है, ऐसे पागल भी ना बहुत कम मिलते हैं। गाड़ी की गाड़ी ठीक कर दी और ऊपर से ये बोल रहा है चला के देखे, इसे हम बहुत ईमानदार इंसान लग रहे हैं। उल्लू थोड़ी लगाया हमारे चेहरे पे, तो यहाँ वापस आएंगे। चल जल्दी चल। अब अरे आधा घंटा हो गया, ये लोग अभी तक वापस नहीं आए। लगता है ये सचमुच में मुझे धोखा दे के चले गए। भलाई का कोई जमाना ही नहीं है, मैं मालिक को कैसे बताऊंगा कि वो लोग मुझे पैसे नहीं देके गए। कभी तो मिलेंगे, फिर कभी देखता हूँ उन लोगों को। अरे ये साहब तो यहाँ खड़े हुए, मैं इनसे पैसे मांग लेता हूँ। अरे साहब आप यहाँ पर हो? साहब आपको याद है आप उस दिन मेरे से गाड़ी ठीक करा के ले गए थे और आप मुझे पैसे नहीं देके गए थे। अबे तेरा दिमाग खराब है क्या? मैं तुझे पैसे नहीं देकर गया था, मैं लौट कर आया था, गाड़ी बीच में बंद हो गई थी तुझे पैसे देने के लिए, तू ही वहाँ पे मौजूद नहीं था। माफ करिए अब मेरे पैसे दे दीजिए। अबे क्या तू बिल्कुल ही पागल वागल है क्या? मैं तेरे पैसे साथ में लेके डोलता हूँ क्या? फिर कभी ले लियो, चल निकल यहाँ से। साहब अब तो मेरे पैसे दे दो ना। अबे तू फिर आ गया, तुझे उस दिन समझाया था ना, तेरे को समझ नहीं आता क्या? एक बार में कोई पैसे नहीं है, निकल यहाँ से चल। मैडम आज हमसे मना मत करो, आज मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। अच्छा तो क्या मैंने ठेका ले रखा है तेरी जरूरतों का? तेरी जरूरतें पूरी करने के लिए हम लोग यहाँ पे, निकल यहाँ से, कोई पैसे नहीं है, चल। मैडम कैसी बात कर रहे हो, हम भीख थोड़ी ना मांग रहे हैं, हमने काम किया, हमने मेहनत के पैसे मांग रहे हैं मैडम। अबे यार ये ऐसे नहीं मानेगा, प्रिंस दे दो पैसे से। आज तेरा टंटा ही काटता हूँ, तेरे पैसे ही देता हूँ, बहुत भारी उधारी है ना तेरी मेरे पे। चले जा सामने मत पड़ी आओ हमारे, निकल। लेकिन साहब ये तो 50 रुपए है। तो भाई जितने का काम करेगा उतने पैसे तो दूंगा ना, 50 रुपए है, क्या हुआ? साहब मैं इतनी दूर से आपकी गाड़ी ठीक करने आया, साहब 1000 रुपए लगते हैं, आपने 50 रुपए थमा दिए हमारे हाथ में। लूटपाट करोगे हमारे साथ? लूटपाट करोगे? एक तार जोड़ने का तू 1000 रुपए ले लेगा मुझसे? सुन निकल जा जिससे पहले मैं तुझे और मारूं, फूट यहां से फूट। ये पैसे आप ही रख लीजिए साहब, मुझे नहीं चाहिए, मैं कोई भीख नहीं मांग रहा हूँ, अपनी मेहनत के पैसे मांग रहा हूँ साहब। अकर तो देखो इसकी, इसे पैसे दे रहे थे हम। ला दे वापस, निकल यहाँ से, चल अपना शक्ल मत दिखाइयो दोबारा, बदतमीज। सर वो सैलरी, हाँ समझ गया, सॉरी यार मैं ही भूल गया था सैलरी देना, अभी दे देता हूँ। ये लीजिए पकड़िए। सर ये तो 500 रुपए है। हाँ मुझे भी दिख रहा है 500 है, पकड़िए ना, ये लो। ठीक है नेक्स्ट मंथ मिलते हैं आप। सर बट हमारी सैलरी तो 25,000 है, ये 500 रुपए। 25,000 सैलरी है तुम्हारी? काम तो तुमने 500 का ही किया है, तो मैं 500 ही दूंगा ना, 25,000 किसके? सर पूरा टाइम दिया है हमने, कोई काम अधूरा भी नहीं छोड़ा। सर क्या अधूरा नहीं छोड़ा तुमने, तुम बताओगे मुझे अधूरा छोड़ा या फिर नहीं छोड़ा? सर आप ये बिल्कुल सही नहीं कर रहे हो, 500 रुपए दे रहे हो पूरे महीने काम करा के। क्या हुआ अब आ रहा है तुम दोनों को गुस्सा? क्यों गुस्सा आ रहा है? सर मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये सब क्या कर रहे हो आप हमारे साथ? अच्छा मैं अच्छे से बता देता हूँ, तुमने क्या किया उस मैकेनिक के साथ में? क्या सर कौन सा मैकेनिक है, आप क्या बात कर रहे हो? देखो कितनी सफाई से झूठ बोल रहे हो, अभी भी मैंने सब कुछ बता दिया तब भी तुम झूठ बोल रहे हो, आंखों से देखा था मैंने, और जो तुम फ्रॉड करके आए थे ना उसके साथ में, वो मैंने पैसे दिए हैं उसको। एक गरीब का हक मारते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तब मैंने तुम्हें हक के पैसे नहीं दिए तब तुम्हें गुस्सा आया ना, वो भी तो उसके हक के पैसे थे ना। सर उसने 5 मिनट ही तो काम किया था, 5 मिनट के उसके 50 रुपए ही बनते हैं, और वो हम उसे दे के आए थे, अब मुंह फाड़ के कुछ ही मांगे तो उसमें कुछ थोड़ी कर सकते हैं हम लोग। मतलब तुम कहना चाहते हो कि तुमने उसके साथ सही किया? जी सर बिल्कुल सही किया हमने। तो मैंने भी तुम्हारे साथ सही किया, जाइए तुम्हारे हक के पैसे मैंने तुम्हें दे दिए। नहीं नहीं सर ये तुम क्या बोल रहे हो प्रिंस,
सर हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें रियलाइजेशन है अपनी गलती का, हमें वो सब नहीं करना चाहिए था। आज जब मेरे साथ सेम हुआ तो मुझे रियलाइज हुआ कि कैसा लगता है। मैंने पूरे मंथ इस कंपनी में अपना 100% दिया, अपना सारा काम टाइम पे कंप्लीट किया, तो जब मुझे उसके बदले में इतने कम पैसे मिले तो मुझे समझ आया कि उसे कैसा लगा होगा। वो उस दिन इतनी दूर से हमारी गाड़ी ठीक करने के लिए आया था और हमने उसके पैसे उसे नहीं दिए, बाद में भी उसे बस 50 रुपए दे के टरगाना चाहा। सर आई एम रियली सॉरी, मैं दोबारा ऐसा कभी भी नहीं करूंगी और वो पैसे भी हम उसको वापस कर देंगे सर। हाँ सर, मुझे भी रियलाइज हो गया कि मैंने भी गलती करी, उसके पैसे मार गए। सर हम दोनों को प्लीज माफ कर दो। क्यों, माफी देने वाला मैं कोई नहीं होता। माफी मांगनी है ना तो उस मैकेनिक से जाके मांगो, अगर वो तुम्हारी गाड़ी सही नहीं करता सही समय से तो फिर क्या करते, तुम्हारी गाड़ी वहीं खड़ी रह जाती। पता है वो कितनी दूर से आया था तुम्हारे यहाँ पर गाड़ी सही करने के लिए, तुमने क्या किया उसे वहां पर ऐसे ही छोड़ दिया। उस बंदे ने भरोसा किया था तुम्हारे ऊपर, तुमने क्या किया उसका भरोसा तोड़ दिया। मुझे नहीं पता तुम्हें गलती रियलाइज हुआ या फिर नहीं हुआ, जो मुझे ठीक लगा था वो मैंने कर दिया। परेशान मत हो, सैलरी तुम्हें मिल जाएगी शाम तक, अब जाइए।